रिलायंस इंफ्रा के शेयर 20% लोअर सर्किट पे हैं और सुप्रीम की रूलिंग के बाद शेयर में आपने इतना बड़ा कड़ाका देखा है। जी हाँ, रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स जो लगभग 80% से ज़्यादा पिछले एक साल में अप्रिशिएट हो गए थे, आज 20% नीचे हैं और लगभग 2500 करोड़ रुपए तक का मार्केट कैप लॉस आपने इस पर्टिकुलर काउंटर पर देखा है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो दिल्ली मेट्रो के साथ कंपनी का विवाद चल रहा है और जो आर्बिट्रेशन था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, यहाँ चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो 8000 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो को रिलायंस इंफ्रा को देने थे, अब नहीं देने होंगे। इनफैक्ट अब तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जो 1600-1700 करोड़ रुपए के बीच में धनराशि जमा कराई थी, वो भी रिलायंस इंफ्रा को जमा कराने होंगे फिर से एक बार वापस। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का झटका रिलायंस इंफ्रा